हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे। मैं हूं फार्मासिस्ट रागिनी और आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे रेबीप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टैबलेट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रेबीप्राजोल टैबलेट का उपयोग सीने में जलन है या एसिडिटी की समस्या है उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा बहुत अधिक एसिड सिक्रेशन होने के कारण अगर स्टमक इंटेस्टाइन का अल्सर है यानी छाले हो गए हैं तो इस तरह इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करेंगे इस टैबलेट के ब्रांड नेम की, तो ये टैबलेट अपने कई ब्रांड नेम से मिलती है, जैसे रेबीलॉक है, पेप्सिया है, रेबलेट है, पैरिट है। इसके अलावा ये अपने कई अलग अलग नामों से भी मिलती है, लेकिन इसमें जो मेन ड्रग कंटेंट है वो रेबीप्राजोल ही हमेशा होता है। बात करेंगे इसके काम करने के तरीके की, तो ये जो टैबलेट होती है स्टमक में एसिड की मात्रा को निकलने से रोक देती है, जिससे कि एसिडिटी की समस्या को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा एसिड से होने वाला जो दर्द है और जो घाव है उसकी समस्या को भी ट्रीट करने में ये टैबलेट मदद करती है। इस टैबलेट के अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो ये टैबलेट बिल्कुल सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आते हैं। फिर भी अगर इसके साइड इफेक्ट की हम बात करें तो कभी कभी पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं लॉन्ग टाइम लेने से, पेट फूलना, सर दर्द होना, ये प्रॉब्लम अगर लॉन्ग टाइम लिया जाए तो सामने आती है। अगर बात की जाए इस टैबलेट के डोज की, तो जो डोज है वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज पर, वेट पर और जो दवाई है उसकी बनावट पर। कभी ये फिल्म कोटेड दी जाती है, कभी गैस्ट्रो रेजिस्टेंस दी जाती है, तो इस कंडीशन में इसका डोज भी अलग अलग होता है। फिर भी अगर हम कॉमन एडल्ट डोज की बात करते हैं तो ये एसिडिटी के पेशेंट को कभी दिन में एक बार दी जाती है, जरूरत पड़ने पर ये दो बार भी दी जाती है। टेबलेट को हमेशा खाने के एक घंटे पहले लिया जाता है और इसे डायरेक्ट पानी के साथ निगलना होता है। बात करेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी कुछ पेशेंट को ये दवाई लेने से बचना है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम डाइफेसिलाई से रिलेटेड अगर आपको डायरिया है तो आप इस दवाई को ना लें। लीवर की डिसीज है आपको, इसके बाद हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है, हाइपोमैग्नेसेमिया है यानी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल कम है, तो इन सभी पेशेंट को इस दवाई को लेने से बचना चाहिए और अपने डॉक्टर को ये कंडीशन बताना चाहिए। बात करेंगे ड्रग इंट्रेक्शन की, यानी इस दवाई के साथ हमें कुछ दवाइयों को लेने से बचना है। कुछ दवाइयां हैं जैसे पेन किलर्स है, एस्प्रिन है, नेप्रोक्सिन है। आप जो भी पेन किलर्स लेते हैं अपने डॉक्टर को दिखा कर ही लें। कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं जैसे डिलोक्सिटिन है, तो ये भी सभी दवाइयां अपने डॉक्टर को आप दिखाएं, उसके बाद ही सेवन करें। ब्लड थिनर है कुछ, जैसे क्लोपिडोग्रेल है या वारफेरिन है, तो इन दवाइयों को भी अपने डॉक्टर के साथ पहले एडवाइस लें डॉक्टर से, उसके बाद ही लें। हाइपोथायराइड की अगर ड्रग ले रहे हैं, लीवर थायरोक्सिन है, कुछ एंटी एचआईवी की ड्रग है जैसे एटाजनाबीर है, कुछ एंटी फंगल दवाइयां हैं जैसे कीटोकोनाजोल है, इट्रोकोनाजोल है, एंटी कैंसर ड्रग है जैसे मीथोट्रेक्सेट है, विटामिन की जो दवाइयां हैं, इसके बाद कुछ सीडेटिव्स हैं जो कि नींद लेने के लिए आप लेते हैं जैसे डाइजीपम है, तो इन सभी दवाइयों को लेने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस जरूर लेना चाहिए। इस टैबलेट के लिए कुछ एक्सपर्ट की एडवाइस है। अगर आप इस टैबलेट को ले रहे हैं तो इस टैबलेट के साथ में कुछ साइट्रस फ्रूट है या साइट्रस फ्रूट के जूस हैं, तले हुए पदार्थ हैं, चाय कॉफी है, इसके बाद कुछ ठंडे पेय पदार्थ हैं यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, इनसे आपको परहेज करना चाहिए। शराब और धूम्रपान इस टैबलेट के दौरान आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपकी कंडीशन को और भी घातक बना सकता है। इसके अलावा अगर इस टैबलेट को लेते हुए 14 दिन हो गए यानी 2 हफ्ते तक आपको सुधार महसूस नहीं होता है तो इस कंडीशन में अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि आपको कोई और दूसरी समस्या भी हो सकती है। इस टैबलेट को लंबे समय तक लेने से हड्डियाँ कमजोर हो सकती है, आपको मैग्नीशियम या अन्य जो तत्व है उनकी कमी भी हो सकती है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम या जो उनके पूरक आहार है उनका आपको अच्छे से सेवन करना चाहिए, जिससे कि इस कमी को पूरा किया जा सके। अगर पेशाब कम आ रही है या आपको एडिमा है, एडिमा के कारण कहीं सूजन है बॉडी के किसी पार्ट में, पीठ के निचले हिस्से में दर्द है या
उल्टी आती है, थकान है, शरीर पर दाने हैं या बुखार है, तो इस समस्या को ठीक करने के लिए अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि ये किडनी खराब होने के भी संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा अगर पानी जैसे दस्त जा रहे हैं आपको, तो इस कंडीशन के लिए अपने डॉक्टर से जरूर बात करें और उनकी एडवाइस लें। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये किसी और के भी काम आ सके जिसे इस वीडियो की जरूरत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।